चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है, ये हम अडवाणी जी को गिरफ्तार किया, रथ को रोका और डीस्टेबलाइज करने के लिए बीती सिंह को हटाने का इन लोगों ने काम किया। और सन 77 में दोहरी सदस्यता के सवाल पर मोरारजी भाई के सरकार को भी हम लोगों ने हटाया और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। भाई अजीत सिंह नहीं है, अजीत सिंह जी नहीं है, अजीत सिंह जी, अरे बनाया सो बोला, अरे बनाया, क्यों बनाया, नहीं क्यों नहीं, बात सुनो, आप बैठिए, आपको क्या पता है, आप कहीं अमेरिका में घूमते होंगे, मेड इन अमेरिका घड़ी पहनते हो, बच्चे 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 और रिलेशन अमेरिका में काम करते हैं, यहाँ अमेरिका फोबिया, अमेरिका फोबिया, बहुत लोग बोलते अमेरिका आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ, ये तरह आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, कौन लड़ा है, लाठी रैली हमने किया था, हमारा दल पटना में, हमने कहा तेल पिला के आओ, और तेल पिला के आओ इराक युद्ध के समय में, और अमेरिका में दुनिया भर में बुश के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, और शक्ति का और कुरान में लाठी का चर्चा है, ये शाहनवाज जानते होंगे, कौन पढ़ते होंगे, हमने महोदय राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था बुश हटाओ दुनिया बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। ये आइडेंटिफाइड अमेरिका ये है लोग, हिम्मत नहीं हुई, इतिहास से रिकॉर्ड है, हम राज्यसभा के मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी सारे लोग, सीबीआई सीपीएम के सारे लोग अमेरिका के एक्शन को कंडेम करने के लिए कि भारत सरकार हस्तक्षेप करो, कंडेम करो, भारत कल दुनिया का गुरु हो सकता है, एशिया को लीड करो और कंडेम करो अमेरिका के एक्शन को, नहीं हिम्मत हुई, इराक के खिलाफ नहीं लिख पाए, रिकॉर्ड की बात है, और लिखा डिप्लोर भेलोर, यह है आपकी हिम्मत। और मैं अडवाणी जी नहीं है, सुनते होंगे आप बताना, ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर एनडीए कल जो उन्होंने भाषण किया महोदय, एक शब्द अमेरिका के खिलाफ नहीं उच्चारण हुआ, नहीं बोले, डील परमाणु के खिलाफ नहीं बोले, कहां चले गए, कम्युनल वायरस निकालना शुरू किया, कम्युनल वायरस छोड़ना शुरू, चले गए फिर हिंदुत्व के ओर, मल्होत्रा जी उसी राह पर चले गए, महोदय हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाली शक्तियां यहां बैठी है। और पोखरण का ठीक जिक्र किया कल प्रणव बाबू ने, सारे लोगों ने, 2 महीना में ये कहां से बनाए थे, ये फोड़ने का क्रेडिट लेने गए, इकोनॉमिक सैंक्शन हो गया, ईंधन परमाणु पर रोक लग गया, आज भी रोक है, हमने कहीं दस्तखत नहीं किया है महोदय। और ये सारे लोग, ये तालबोट है, कोई तालबोट जी, तालबोट जी, जसवंत जी, ये जसवंत जी या तालबोट, क्या लिखा कि पूरा इसमें पढ़ लेना, आप पढ़े हुए हो, मैं पढ़ता हूं, ध्यान दे के सुनना, रेलिवेंट पार्ट को मैं पढ़ता हूं, ये क्या बीजेपी के माननीय सदस्यों को, ठीक है राम गोपाल जी ने, कि जब कोई सरकार जाती है तो जो मंत्रिमंडल रहता है, केयर टेकर रहता, आप लोग आउट होइएगा, सो बात यह नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तालबोट जसवंत बिजबिली टेकन अबैक संडे वेमम इंसिस्टेड दैट वाजपेयी हैड मेड एन आई रेवे सिविल डिसीजन, मैंने इसको
पीछे हट नहीं सकने वाला डिसीजन वाजपेयी जी ले चुके हैं, और कब और कहां इसका अनाउंसमेंट हो, नॉट ओनली जसवंत सिन्हा, UNO में जाके वाजपेयी जी का ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि CTBT पर दस्तखत करना है। कहां फंसे हुए हैं जोर साहब? जोर साहब आप मुख दर्शक हैं? आपने हमको समाजवाद का पाठ पढ़ाया था, मुलायम सिंह को पढ़ाया था, आप कहां बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं? इसमें महोदय ये है, ये मूल घाट, ये हमारे गुप्ता जी CPI के नेता गुरुदास्ता जी भाषण कर रहे थे, TV पर इंटरव्यू आया था, हमको रोटी चाहिए, रोटी लगता है भूखे हैं इतना दिन। रोटी कहाँ से आएगा गुप्ता जी? हाँ, 7 साल से लगता खा ही नहीं है, रोटी कहाँ से आएगा? देशवासियों, संसद के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, रोटी आएगा तो आसमान से नहीं आएगा, रोटी वहां से नहीं छलकेगा, इंडस्ट्री नहीं छलकेगा, रोटी आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा। तो रोटी आएगा गुप्ता जी तो इनकलाब मुर्दाबाद एडी अलगा के भाषण करने से नहीं आएगा। बोलते बोलते आपने बाल पका दिया, मैं भी आपके साथ पाइपलाइन में लगा हुआ हूं, इसलिए बात वो नहीं है। मैं जानता हूं कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस CPM गवर्नमेंट, कलकत्ता के शासन से आप खुश CPI नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। मैं आगे भंडाफोड़ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा कोशिश होगा कि आपको अभी रिझाते रहे, वो दूर के मुसाफिर आ जाओ। हाँ साथ ले लो, बीच में कहने हरे भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं जवाब दे पाइएगा देश को, ये लाल झंडा हरा झंडा केसरिया बोलो है, मुड़ी डलाने से नहीं होगा, वोट करिएगा पकड़ा जाइएगा, आप भाषण करिए वाकआउट होकर चले जाइए, आपका होगा।